सर देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिना देखे ही इसकी भनक इतनी आती है कि कोई देखने की जरूरत नहीं होती। मैं जितना कुछ सुन चुका हूँ, एक छोटे से बच्चे का मैंने रिमार्क सुना था, मेरे लिए काफी था। बाहर निकला, उसको फर्स्ट डे फर्स्ट शो पूछा गया कैसी लगी फिल्म। अब बच्चे आजकल के, आजकल तो उनको फर्क नहीं पड़ता, अच्छी लगा, अच्छा लगा, वो क्या है, वो कॉमेडी अच्छा लगा बहुत उसको। अब रामायण और कॉमेडी, दैट इटसेल्फ सेज एवरीथिंग कि मुंतशिर ने या ओम रावत ने क्या खिचड़ी पका। सो मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ, मतलब पिछले कल मैंने 6 चैनलों को बात, एक ही बात को 10 बार बोला है मैंने। बट मुझे ये लगता है कि ये रामायण के साथ एक भयंकर मजाक है, हमारी हमारी ग्रंथों के साथ में किसी को इतना बड़ा अपमान करने का अधिकार किसने दिया है? सरकार क्यों नहीं संज्ञान ली थी? सेंसर बोर्ड को क्यों नहीं पूछती कि कैसे पास किया? सो ऐसे इतने सवाल हैं कि मैंने ये यहां तक कह दिया है कि इन दोनों ने रामायण पढ़ी तक नहीं। जिनको ये नहीं मालूम कि कौन सा वरदान मिला था, उन्होंने हिरण्यकश्यप का वरदान चिपका दिया रावण के ऊपर, जबकि उसको रावण शिव जी ने अवतार दिया था, शिव जी ने वरदान दिया था। अब इतना नॉलेज नहीं है आपको, फिर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं, हमने बच्चों के लिए बनाया, आपके लिए नहीं बनाया, आपके घर के 10 बच्चे। ऑल नॉन्सेंस, एब्सोल्युटली रबिश, एट्रोशियस, इसको माफ नहीं किया जाना चाहिए। कल तो मैंने अपने चैनल पे बोल दिया कि इन सारी टीम को 50 डिग्री सेंटीग्रेड में सड़क पे खड़े के झुलसा देना चाहिए। किसको दोषी मानते हैं आप इसमें? कैप्टन ऑफ द शिप ओम रावत तो है ही, तानाजी बनाई थी, वहां भी काफी डाक टाक लगी थी, ठीक है, अच्छा डायरेक्ट किया था उन्होंने। सबसे बड़ी गलती तो जाएगी उन पर। फिर मुंतशिर जो कहते हैं बहुत बड़ा राइटर है, मैंने फॉलो कभी नहीं किया उनको, पर उनकी बचकानी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। वो मुझे लगा था कि ये इतने क्रिटिसिज्म के बाद में जब पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया, ये लोग मुंह छिपाएंगे, ये तो सब आगे आके डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दे दे। नहीं साहब, मैं तो सनातन धर्म के लिए बना रहा हूं। अरे आपका सनातन धर्म के हमारे से अलग है क्या? नहीं सर, वो क्या है, वाल्मीकि जी का वर्जन था, फिर उसके बाद में तुलसीदास जी का वर्जन था, फिर बाद में रामानंद सागर जी का वर्जन था, ये मेरा वर्जन है। अरे भाई, हु द हेल आर यू, कौन है आप क्या वाल्मीकि के ऊपर हैं कि आप अपना वर्जन बना के बच्चों को बोलेंगे? पुरानी परंपरा भूल जाओ, मैं जो बता रहा हूं वो ये, हनुमान जी ऐसी बात करते थे, अरे तेल तेरे बाप का, घी तेरे बाप का, जलेगा तेरे बाप का शरीर, साहब कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे। उस हनुमान को इन्होंने चमड़े की ड्रेस पहना दी, राम को चमड़े के जूते पहने, चप्पल पहना दिए, सैंडल पहनाया उनको, शायद मूछ तो खैर मेरे को ऑब्जेक्शन है कि न राम की मूछ हो सकती है, न कृष्ण की मूछ हो सकती है, न विष्णु की मूछ हो सकती है, क्योंकि हम बड़े हुए हैं उसको देखकर। अब क्या हमारा आस्था के ऊपर, अब किसी और धर्म के साथ करके बताओ ना, कटने लगेंगे लोगों के सर। इसीलिए सिर्फ हिंदू धर्म के साथ मजाक किया जाता है, मुझे यही सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन। सो अगेन, फर्स्ट वन इज डायरेक्टर, सेकेंड वन इज द राइटर, थर्ड वन इफ यू आस्क मी, मैं अभी तक नहीं बोला हूं, लेकिन लेकिन इतनी यूफोरिया उठाए तो मुझे ये बात कहनी है कि क्यों डिफेंड कर रहे हैं लोग अपने आप को। ये जो आप जानते हैं टी सीरीज के कर्ता धर्ता कौन थे, जिन्होंने भजने के भजन राम भजन और भजन देवी, इतने लोगों को इतनी पॉपुलर कर दिए थे कि उनकी वही चीज बिकती थी, वो खुद बैठ के शूट करते थे, उनका बेटा आज ये रामायण बनाएगा? क्या अपने बाप की परंपरा को आगे कर रहा है या उसके बाप को, बाप का नाम खराब कर रहा है? एंड एंड देन दे आर ट्राइंग टू से कि अरे अरे मत विरोध करो भाई, अरे भाई क्यों नहीं करो, आप हमारे देश की यूथ को बोल रहे हैं, हमने इनके लिए बनाया। सो मेरे लिए तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। मैं तो चाहता हूं कि देश की जनता अगर इसको नहीं रोकती तो मैं समझूंगा कि हमारे हिंदू 100 करोड़ अभी तक जागे नहीं है।